नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश और विदेश की मुख्य खबरों के साथ। हैकर्स के कब्जे में 7 दिन रहने के बाद दिल्ली एम्स में ई अस्पताल का डेटा फिर सर्वर पर आ गया है। हालांकि अभी यहां कामकाज मैन्युअली ही किया जा रहा है। दिल्ली एम्स का सर्वर 23 नवम्बर से बंद है। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को अशांत बलूचिस्तान प्रांत में मुठभेड़ के दौरान 10 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये जानकारी सेना की मीडिया विंग ने दी है। एनडीटीवी से प्रणय राय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। चैनल के प्रमोटर ग्रुप आरआरपीआरएच ने दोनों का इस्तीफा मंजूर कर दिया है। दोनों ने चैनल से ऐसे समय में रिजाइन किया जब अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के अधिग्रहण के लिए ओपन ऑफर लाया है। यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक घर में मंगलवार को भीषण आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 बच्चे, 2 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। टोयोटा किलोस्कर मोटर के वाइस चेयरपर्सन विक्रम किलोस्कर का मंगलवार देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वो 64 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे बेंगलोर के हैबल शमशान घाट में किया जाएगा। गुरुग्राम में पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के फार्म हाउस सहित 3 अवैध रूप से निर्मित फार्म हाउस को मंगलवार को सील कर दिया गया है। ये सोहना में दमदमा झील के किनारे स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच करीब 6 महीने से सीमा पर जबरदस्त तनाव चल रहा है। पिछले दिनों तालिबान की फायरिंग में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। इस तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार मंगलवार को अफगानिस्तान पहुंची। वेस्ट बैंक में मंगलवार को हुए इसराइल के हमले में फिलिस्तीन के 4 लोगों की मौत हो गई। वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि इसराइल की तरफ से हुई फायरिंग में मरने वाले 3 लोगों में से 2 भाई थे। तो फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।